दोस्तों अगर आप भी विराट कोहली को एक महान बल्लेबाज मानते हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों घमंड में चूर बांग्लादेश के किंग कोहली ने उड़ाई धज्जियां तो केएल राहुल ने अपने बल्ले से मचाई तबाही, जिनका साथ निभाते हुए अर्शदीप और हार्दिक पांड्या की कहर बर्बादी हुई गेंदों से भारतीय टीम ने किया बांग्ला टाइगर्स को घुटने टेकने पर मजबूर। तो आखिर कैसे रोंगटे खड़े कर देने वाले अंतिम ओवर में भारतीय टीम ने बनाई सेमीफाइनल में जगह, वो सब तो हम आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ इस खतरनाक मैच की पूरी हाईलाइट का वीडियो भी दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि विराट कोहली और केएल राहुल और सूर्य कुमार यादव में से कौन है सबसे खतरनाक बल्लेबाज, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों बांग्ला टाइगर्स अपने घमंड में चूर था कि वो भारतीय टीम को इस मैच में शिकस्त दे देगा, लेकिन गेंद और बल्ले के बीच हुए जबरदस्त घमासान में कई ऐसे उलटफेर देखने को मिले जिसने बांग्लादेश के साथ साथ भारतीय फैंस की धड़कने भी बढ़ा दी थी। एडिलेड के मैदान पर रोहित ने टॉस गंवा दिया और भारतीय टीम पहले बल्लेबाजी का मौका उनको मिला। कप्तान रोहित के साथ राहुल की जोड़ी तहलका मचाने के लिए उतरती है, जहां उनका सामना जबरदस्त फॉर्म में चल रहे बांग्लादेशी गेंदबाजों से होता है, जिनकी आग उगलती हुई गेंदों से दोनों बल्लेबाजों ने संभल कर और अपना विकेट बचाते हुए भारतीय टीम को बेहतरीन शुरुआत दिलाई। लेकिन दोस्तों भारतीय फैंस की उम्मीदों को एक तगड़ा झटका लगा और कप्तान रोहित अपना विकेट गंवा बैठे। वो हसन महमूद की शॉर्ट बॉल में पॉइंट पर अपना कैच थमाकर पवेलियन लौट गए। महज 11 रन पर भारतीय टीम का पहला विकेट गिर गया, जिसके बाद एक बार फिर किंग कोहली पर भारतीय टीम को संभालने की जिम्मेदारी आ गई थी, जहां से राहुल ने भी कोहली का बखूबी साथ निभाते हुए आक्रामक रुख अपनाया और शारिपुल से लेकर तस्कीन अहमद की गेंद पर चौकों की बरसात कर दी, जिसकी बदौलत भारतीय टीम ने पावर प्ले की गेंदों पर चौके की बरसात कर दी और खत्म होने तक पावर प्ले 37 रन बना लिए थे। राहुल को देखकर ऐसा लग रहा था कि आज वो इतिहास रचने के इरादे से मैदान में उतरे। दोस्तों बांग्लादेश के चेहरे पर डर साफ देखा जा सकता था और उनके इस डर को हकीकत में बदल दिया राहुल ने, जब पारी के 9वें ओवर में उन्होंने बांग्लादेश के लिए बुरा सपना बना दिया। शारिफुल इस्लाम के इस ओवर में किंग कोहली ने पहली गेंद पर चौका लगा दिया था, लेकिन असली धमाका तो राहुल ने मचाया जब उन्होंने अगली दो गेंदों पर दो तूफानी छक्के लगाकर बांग्लादेशी खेमे में दहशत भर दी। उनके इस तूफानी छक्कों को देखकर किंग कोहली के भी होश उड़ गए। इसी के साथ राहुल ने 31 गेंदों पर 4 तूफानी छक्कों और 3 चौकों की मदद से अपना अर्धशतक भी पूरा कर दिया, जिस पर पूरे भारतीय खेमे ने खड़े होकर उनके लिए तालियां बजाई। लेकिन दोस्तों तभी भारतीय टीम को एक बड़ा झटका लगा और केएल राहुल बड़ा शॉट लगाने के प्रयास में शाकिब अल हसन की फिरकी में फंसकर कैच आउट हो गए, जिसके बाद सूर्य और किंग कोहली की जोड़ी मैदान पर धमाल मचाने के लिए बेताब थी और सूर्य ने मैदान पर उतरते ही अपनी बेहतरीन फॉर्म का मुजाहरा दिखाया। चौकों की झड़ी लगाते हुए महज 15 गेंदों पर 200 से अधिक के स्ट्राइक रेट से 31 रन का स्कोर बना लिया। तभी साकिब की फिरकी एक बार फिर भारतीयों को दर्द दे गई और सूर्य कुमार यादव उनकी गेंद पर क्लीन बोल्ड होकर पवेलियन लौट गए। पर दोस्तों क्रीज पर एक बार फिर किंग कोहली चट्टान की तरह डटे हुए थे और बांग्लादेशी गेंदबाजों के परखच्चे उड़ाते हुए किंग कोहली ने भी 37 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। कोहली आज विध्वंसक बल्लेबाजी कर रहे थे और ऐसा लग रहा था मानो वो गेंदबाजों से खिलवाड़ कर रहे हो, लेकिन भारतीय टीम का कोई भी अन्य बल्लेबाज कोहली का साथ निभाना तो दूर, क्रीज पर टिकने में भी नाकाम साबित हो रहा था। हार्दिक पांड्या के आउट होने के बाद दिनेश कार्तिक की गलतफहमी के चलते रन आउट होकर पवेलियन लौट गए और उनके बाद बल्लेबाजी करने आए अक्षर पटेल भी ज्यादा कुछ नहीं कर सके। लेकिन कोहली अपने बल्ले से तबाही मचाते हुए अंत तक नाबाद रहे और भारतीय टीम का स्कोर 186 रनों तक पहुंचा दिया था, जहां उन्होंने 44 गेंदों पर 8 खतरनाक चौकों और एक तूफानी छक्के की बदौलत 64 रन बनाए थे। और अश्विन ने भी अंत में आकर 6 गेंदों पर 13 रनों की पारी खेली। बांग्लादेश के लिए अल हसन महमूद ने सबसे अधिक 3 विकेट अपने नाम किए। दोस्तों बल्लेबाजी के बखूबी प्रदर्शन के बाद अब बारी थी गेंदबाजों के कहर की, जहां शांतों के साथ लिटन दास बांग्लादेश को ताबड़तोड़ शुरुआत दिलाने के लिए इरादे से उतरे थे, पर स्विंग किंग की लहराती हुई गेंदों के आगे दोनों बल्लेबाज क्रीज पर नाच रहे थे, जहां वो गेंद से बल्ले का मिलाप करवाने के लिए तरस गए। भुवी ने बेहतरीन शुरुआत दिलाई थी, पर दूसरे ओवर में अर्शदीप को लिटन दास ने आड़े हाथों लेते हुए 3 खतरनाक चौके लगाकर भारतीय खेमे को अपने तेवर दिखा दिए थे, जिसकी बदौलत बांग्लादेश ने बेहतरीन शुरुआत की थी और इस शुरुआत को और भी आक्रामक बना दिया। लिटन दास ने, जिन्होंने भुवनेश्वर कुमार की 3 गेंदों पर लगातार पहले तो एक तूफानी छक्का और फिर अगली 2 गेंदों पर 2 खतरनाक चौके लगाकर कप्तान रोहित के होश उड़ा दिए थे। इस ओवर में पूरे स्टेडियम में सन्नाटा छा गया था और शुरुआती ओवरों में विकेट चटकाने वाले भारतीय गेंदबाज तरह से बेबस नजर आ रहे थे। बांग्लादेश ने महज 4 ओवर में ही ताबड़तोड़ 35 रन बना लिए थे।
लिटन दास तूफान बनकर भारतीय टीम के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन गए थे और उन्होंने भुवनेश्वर की गेंद पर विकेट के पीछे हैरतअंगेज छक्का लगाकर महज 5 ओवर में बांग्लादेश का स्कोर 44 रनों तक पहुंचा दिया था। लेकिन ये बल्लेबाज यहीं पर थमा नहीं और मोहम्मद शमी के 2 गेंदों पर एक खतरनाक चौका और एक तूफानी छक्का लगाकर महज 21 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। पर दोस्तों लिटन दास भारतीय टीम के मुंह से जीत छीनने के लिए बेताब थे, लेकिन तभी बारिश ने मैच में खलल दे दी और 130 करोड़ भारतीयों का दिल बैठ गया क्योंकि बांग्लादेश इस समय भारतीय टीम से आगे था और वो ये मैच आसानी से जीत लेता। पर दोस्तों बांग्लादेश के इन उम्मीदों पर पानी फिर गया और बारिश कुछ समय बाद चली गई, जिसके बाद बांग्लादेश को जीत के लिए 54 गेंदों पर 85 रनों का लक्ष्य दिया गया, जिसे चेज करना उनके बस की बात नहीं थी और भारतीय गेंदबाजों की गहर बर्बादी हुई गेंदों से बांग्लादेश की पारी ताश के पत्तों की तरह बिखरने लगी। शाकिब अल हसन, आफिफ हसैन जैसे कोई भी खिलाड़ी कुछ नहीं कर पाए, जिसके बाद आखिरी ओवर में उन्हें जीत के लिए 19 रनों की दरकार थी। लेकिन अर्शदीप सिंह ने इस ओवर में महज 13 रन बनने दिए और भारत ने 5 रनों से मुकाबला जीत लिया। और जहां हार्दिक पांडे और अर्शदीप सिंह ने 2-2 विकेट अपने नाम किए हैं, तो वहीं दोस्तों आपको क्या लगता है, भारतीय टीम फाइनल में क्वालिफाई कर पाएगी या नहीं? अपनी राय नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।